भाई तू बियर पीता है? हाँ पीता हूँ। दिन की कितने पीता है? दो। और कितने साल से पी रहा है? 10 सालों से। मतलब दिन की 400 की बियर पीता है, महीना का 12,000, साल का 1,44,000, और 10 साल में तो 14 लाख से ज्यादा बियर पी गया है। हाँ भाई हाँ। अगर इतना पैसा तुम बैंक में डाले होते तो ओके ब्याज से आज तुम्हारे घर के सामने एक ब्लैक स्कॉर्पियो ठाड़ होते। भाई तू बियर पीता है? नहीं भाई, हम ऐसे गंदे काम नहीं करी थे। तो तेरे घर के आगे ब्लैक स्कॉर्पियो का नहीं ठाड़। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। इसके पीछे जो टेडी बियर रखा है उसका कलर बताओ जरा। ना ना, तुम्हें टेडी बियर थोड़ी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा ना। सालो सुधर जाओ, लोहे का तार बरसेंगे तुम पर। मैं मन तेरे कब तन को छुआ, कब कराया दिल में हलचल। आगे से मत बोल देना, मुंह तोड़ दूंगा पागल औरत। धत ए पागल औरत। सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। ऐसे क्या देख रही, चुम्मा दोगी क्या? तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे। किस्मत का नहीं रे लाला, सब बॉयफ्रेंड की मेहनत का खेल है। कल मेरा बर्थडे है, क्या गिफ्ट दोगे तुम मुझे? पीला दुपट्टा। पीला क्यों? क्योंकि लाल दुपट्टा उड़ जाता है ना हवा के झोंके से। तू एकदम लड़की की तो पागल हो गया है। ये मेरी सेटिंग है, ये झाड़ू मारने की बोलेगी झाड़ू मारूंगा, पैर दबाने की बोलेगी पैर दबाऊंगा, ये जो बोलेगी वो करूंगा। अगर वो बुरा होने के लिए बोलेगी तो मर्द की मोहब्बत उल्लू की तरह होती है, रात को ही अपनी बीवी की सारी अच्छाई नजर आती है। तू समझा नहीं? तू समझा नहीं? और पूजा बताओ कैसी हो? मैं तो गोरी हूँ, तुम बताओ। और मनोज क्या हाल है तेरे? तूने शादी भी कर ली और बुलाया भी नहीं, और शादी के बाद तेरी क्या हालत होगी तेरी? स्कूल टाइम में तू कितना स्मार्ट था, वो पूरी क्लास में सबसे स्मार्ट लड़का था तू। बाप रे, शादी के बाद कितनी बेकार हालत होगी तेरी, सारे बाल झड़ गए हैं, और गंजा कैसे हो गया तू? कपड़े धोए, बर्तन मांजे, झाड़ू झटका किया, भूखा रहा, मगर मैंने घर की बात कभी बाहर नहीं जाने दी। अरे खत्म, ये क्या कर रहा है? भाई मैं ये चेक कर रहा हूँ, गांधी जी तो चले गए पर इनका नंबर कौन चला रहा है? मुझे ना इमोशनल लड़के बहुत पसंद है। तुमने मेरे घर के पीछे वो तालाब देखा है? हाँ देखा है। वो मेरे आंसू से भरा है। आई लव यू। नो। क्यों? मानो तुमने मुझे आज फोन दिलाया, अपनी किडनी दी, मेरे घर का लोन चुकाया, बट मैं पसंद तो राहुल को करती हूँ ना। अरे पर क्यों? क्योंकि उसके पास सरकारी नौकरी है। ए राजा जी, ए राजा जी। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो।
सर बचपन में मम्मी पापा कहते थे कि सोते हुए कितनी प्यारी लगती है और अब कुंभकर्ण क्यों कहते हैं? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या? अरे खरीदने को तो मैं भी हेलीकॉप्टर खरीद लूं, पर रिश्तेदार ताना मारेंगे, यही कहेंगे घर के ऊपर से गया साला और मिलके भी नहीं गया। सबको पता होता है कि लड़का कमाने जाता है, यहाँ किसी को भी मतलब नहीं होता है कि कमाता कैसे है, मतलब होता है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से। और मम्मी पापा ने तो सिर्फ चलना सिखाया था। अच्छा, गलत रास्तों पे तो मैं खुद चलना सीखा हूँ, तभी तो मैं सोचूं इतने बड़े कैसे हो रहे। क्या 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 मकाई मकाई मेरी मकाई। आपने वीडियो को एंड तक देखा इसलिए दिल से धन्यवाद। आप अपने ललित चंद्रवंशी चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।